चांदी के वर्क लगी मिठाई को आप शाकाहारी समझकर बरसों से खा रहे थे। दरअसल वो शाकाहारी नहीं है, सही सुना आपने। एबीपी न्यूज के कैमरे में इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट, मैं आगे जो बता चुका हूँ अभी आपको और बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। ये खुलासा एबीपी न्यूज़ ने अभी नहीं बहुत पहले किया था, और इससे पहले बहुत बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन उन सबका कभी तक कुछ नहीं हो पाया दोस्तों। क्या आप जानते हैं इस चांदी के वर्क की मिठाई 1 किलो बनाने में करीब करीब 12,000 पशुओं का काटा जाता है गला। दोस्तों हम देख भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे पावन पर्व पे ऐसे सब चीज़ की जाती है, तो हमें बहुत दुख होता है इस बारे में। हमें और चीज़ जाननी होगी दोस्तों, तो मैं आपको और एक रिपोर्ट बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा आप, आप ये मिठाइयाँ खाना छोड़ देंगे। चांदी वाला चमकता हुआ पान खाने के शौकीन हैं, तो आप ये पान खाना छोड़ देंगे। अब आप पूछेंगे भला क्यों, तो इस क्यों का जवाब ये है साहब कि नजरों को जो खूबसूरत सा चमकता हुआ चांदी का वर्क दिखाई देता है, उसकी असली कहानी जानते ही नहीं हैं आप। ये जो बात है क्लियर है, बकरे की है, भेड़े की है या क्या चीज है, लेकिन ये सिवा आगरे से कोरी आती है। देखा कि अपने दोस्तों क्या हो रहा है, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़, और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसा कमाने के लिए ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप मिठाई खाना ही चाहते हैं तो बिना चांदी की परत की मिठाई खाइए, और देखिए कि ये कोई केमिकल युक्त तो नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि दूध और मावा के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी सेहत के साथ, क्योंकि ये बीमारियाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती है, आपकी बॉडी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। ये एक मिठाई आपको दिखने में अच्छी लगेगी, खाने में भी अच्छी लगेगी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। तो आपसे ये गुजारिश रहेगी दोस्तों, जब भी आप कुछ खाएँ या जब भी आप कुछ करें, तो एक बार ज़रूर उसको जाँच परख लें, उसके बाद ज़रूर खाएँ दोस्तों।